देखिए, आज हम गुणनखंड करने जा रहे हैं। एक्स की स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 12, ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड के ये वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या नहीं है। तो गुणनखंड करने का तरीका अपना, इसको इसको पहले और अंतिम को गुणा करो। माइनस 12 गुणा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 12x की स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 12 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर तो 12 आ जाए और आपस में घटाने पर 11 आ जाए। अब देखो, पहला चिन्ह प्लस है, दूसरा माइनस है, तो यह ध्यान रखो दोनों टुकड़े अलग अलग होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। लेकिन यहाँ जो बच रहा है, यहाँ जो आ रहा है पहला प्लस, तो वो प्लस वाला टुकड़ा बड़ा होगा और माइनस का टुकड़ा छोटा होगा। तो अपने यहाँ से पहले करते हैं, 2 6 12, 12 तो हुए, लेकिन इन दोनों को आपस में घटाएंगे, यानी बड़े को प्लस का लेंगे छोटे को माइनस का लेंगे, 4 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा देखो, 12 के टुकड़े करते हैं, 4 3 12, बड़े को प्लस का लेंगे छोटे को माइनस का घटाएंगे, 1 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और अब अपने चलते हैं 12 पर। 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये तो 12 तो आ गए, बड़े को प्लस का लेंगे छोटे को माइनस का लेंगे, और 12 में से 1 गया, 11 भी आ रहे हैं, प्लस के 11 आ रहे हैं। यहाँ एक्स लगाओ, एक की जगह एक्स लगाओ, ये एक्स की स्क्वायर माइनस 12 हो गए। और अब देखिए, अब 12x माइनस x बराबर 11x, ये दोनों संतुष्ट हो रहे हैं। देखो, ये भी हो रहा है और ये 11x ये भी आ रहा है। तो अब इसको अपने इस 11x की जगह रखते हैं, x की स्क्वायर प्लस 12x माइनस x और माइनस के 12, ठीक है। अब अपने दो दो के समूह बना लेते हैं। देखो, एक ये बनाया और एक है ये बनाया। यहां से देखो, 12 यहाँ 12 नहीं है तो 12 कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो कॉमन एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी घात 2 है, छोटी घात 1 है, तो छोटी है वो आएगी कॉमन। तो इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स गुणा एक्स है, बटा में कॉमन एक्स आया, काट दो, क्या बच गया, एक्स प्लस 12x में x का भाग दे, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, काट दो, कितना आ गया 12। अब माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया। और अब देखिए, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, यहाँ 12 है यहाँ 12 नहीं है, तो दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। जहां कोई कॉमन नहीं निकले वहां हमेशा कॉमन निकलता है कितना, एक। कितना कॉमन निकलता है, एक। एक कॉमन निकलेगा, ये एक कॉमन निकाल दो, ठीक है, एक को कॉमन निकाल देते हैं अपने। एक को कॉमन निकालेंगे तो यहां पैर नहीं चल रहा भाई, यहां देखो, एक को कॉमन निकालेंगे, सेम ही आएगा एक्स का एक्स, ठीक है। और फिर क्या है, ये चिन्ह माइनस का आते ही ये चिन्ह बदल जाता है, ये चिन्ह बदलता है, ये माइनस का है तो ये उल्टा हो जाता है, ये माइनस है तो किसका कर दो प्लस का, 12 एकम 12 12 एकम 12, पेन नहीं चल रहा भाई, दिक्कत हो गई है, ठीक है। ये दोनों कोष्टक देखो एक जैसे हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस 12, और दूसरा कोष्टक देखो, ये एक्स और ये -1, ये हो गए एक्स प्लस 12 और एक हो गया एक्स माइनस 1, ये इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।